रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हेलो एंड वेलकम टू योर ओन शो आई वे, ये है रोशनी का कारवां, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अर्शद इकबाल। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती अगर उनका हौसला बुलंद हो और उन्हें बराबरी का मौका मिले। फिर चाहे घर संभालने की बात हो या फिर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर से बाहर काम करने की। और ये उतना ही सच है उस महिला के लिए भी जो दृष्टिहीन है। जी हाँ, एक दृष्टिहीन महिला भी जिंदगी के हर दौर को खूबसूरत ढंग से जी सकती है, और यही बताता है हमारा आज का फीचर, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणय गड़ोदिया। न देख मेरी बुझती आंखों को, मैं रोशन हूं खुद सारे की सारी। देख मेरे मजबूत इरादों को, जो तमाम ठोकरों से भी न हारी। न दो सहारा पर ढकेलो भी ना मुझको, न दिखाओ रास्ता पर रोको भी ना मुझको। हां, यकीन है मुझे होगी सफल ये मेरी संघर्ष की दास्तां। कर अंधेरे को पार, बनाऊंगी मैं भी अपना एक रोशन जहां। यह है इरादा, यह है सोच आज की दृष्टिहीन नारी का, जिसने खुद को अवला सोचना छोड़ दिया है। पर हम में से कई लोग दृष्टिहीनता के साथ एक महिला होने को दोहरी विकलांगता से कम नहीं मानते। अब गुजरात में आनंद जिले की सुधा पटेल का ही उदाहरण ले लीजिए। मेरा जन्म जब हुआ तब सब लोगों ने बोला कि ये लड़की बड़ी होगी, तब उसको काफी दर्द होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ। इससे पहले हम उसको मार डाले तो ही अच्छा है। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने मना किया कि वो जैसे भी है मेरी लड़की है, उसको मारना नहीं चाहता हूँ। वो अपना नसीब लेके आई है, और मुझे श्रद्धा है कि वो लड़की औरों के लिए भी बहुत सारे काम करेगी, तो ये लड़की मुझे मंजूर है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सुधा पटेल अपने गांव चांगा की सरपंच रह चुकी है सन 1995 से 2002 तक, और सुधा भारत की पहली दृष्टिहीन महिला सरपंच थी, वह भी केवल 19 साल की उम्र में। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो उससे हार मानने की बजाय हमें जीवन का उसे एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने चाहिए। काला मोतिया से 8 साल की उम्र में अपनी नजर खो देने वाली कोलकाता की कंचन गाबा ने अगर तब अपनी पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज वो एक सफल वकील न बन पाती। प्रोफेशनली तो हम एडवोकेट हैं, हमने LLB पास किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर हमने LLM किया वर्धमान यूनिवर्सिटी से, और अभी PhD किया। इसके अलावा हम रेगुलर कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सफलता के लिए सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, पर बाहरी दुनिया में आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है दृष्टिहीन महिलाओं या लड़कियों की, तो परिवार वाले कुछ ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। जब ऐसी ही स्थिति मुंबई की मंजू मग्गू, जो एक गायिका है, उनके जीवन में आई, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया। मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मम्मी ने ये कहा कि तुम कैसे जाओगी। फिर मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि उम्र भर क्या आप मेरे साथ रहेंगी, क्या आप जानती हैं कि उम्र भर रहेंगी। फिर उस बात का जवाब ना देते हुए उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम चाहो वो करो। आज ऐसे ही कई दृष्टिहीन महिलाएं हैं जो अपनी सफेद छड़ी यानी व्हाइट केन के सहारे ऑफिस और बाकी सब जगह अकेली आती जाती हैं। मुझे एक चीज तो शुरू से ये समझ में आ चुकी थी अपनी जिंदगी के बारे में कि यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे साथ हर समय कोई नहीं चल सकता, तो मुझे अपनी व्हाइट केन को ही अपना सहारा बनाना था। तो मैंने इंडिपेंडेंटली चलना शुरू किया। कई बार ठोकरें भी लगी, कई बार गिरी भी, गलत रास्ते पर भी गई, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये क्लियर है कि आज मैं जिंदगी में जितना आगे बढ़ सकी हूँ वो मैं अपनी व्हाइट केन की वजह से ही बढ़ सकी हूँ। ये थी मंजुला रथ, जो जन्म से ही दृष्टिहीन है और दिल्ली की एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरार हैं। मंजुला जैसी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी देश में आज कई महिलाएं हैं जो सफलतापूर्वक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोजीशंस पर काम कर रही हैं। एक और उदाहरण है गुड़गांव की मधुबाला शर्मा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिहेवियरल ट्रेनर है। चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, और 99.9% जो मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ट्रेनिंग में वो दृष्टिवान ही होते हैं।
तो एक तो उनको लगता है कि इसको चीट करना बहुत आसान है, हम ट्रेनिंग से निकल जाएंगे रूम से, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं सुनती हूँ कि क्या हो रहा है रूम में और इंडिकेट कर देती हूँ। जैसे ही मैं इंडिकेट करती हूँ कि मुझे पता लग रहा है, और मैं अपनी आईज के इशारे से उस तरफ देखती हूँ जिस तरफ से मुझे मूवमेंट की साउंड आती है, तो उन्हें पता लग जाता है कि इनके साथ पंगा नहीं लेना। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मधुबाला निजी जीवन में भी आगे बढ़ रही है। वो शादीशुदा है और 2 साल के बेटे की माँ भी। शादी की बात करें तो यह रिश्ता तब सफल हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर समझ सकते हैं, और इस समझ के लिए किसी के विकलांग होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता है। इसी संदर्भ में प्रीति मोंगा, जो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और अपने निजी जीवन में अब एक नानी भी बन चुकी हैं, जानते हैं उनका अनुभव क्या रहा है। मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे हस्बैंड में किसी किस्म का हैंडीकैप नहीं है, तो इस चीज़ पे बहुत सारी लड़कियाँ लेडीज समझ नहीं पाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर देने का ही सोचें, आपके अंदर इतनी खूबियाँ हों, तो लोग अपने आप आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, और इसमें एक शादी भी एक रिश्ता है। और जब हमने मुंबई की पद्मा रैपोस से पूछा कि वे और उनके पति दोनों दृष्टिहीन हैं, तो उन्होंने अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कैसे किया, तो उन्होंने बताया। सी, बच्चे का अपब्रिंगिंग में तो ऐसा है कि जब कोई दृष्टिवान मदर भी होती है तो उसी को भी किसी की तो सहायता लेनी पड़ती है। हमारी माताजी थी, उनके सहारे करते थे, तो उनसे मैं हर कोई उनका जो यानी कि चेंज करना है, उसके कपड़े बदलना है, उसको क्लीन अप करना है, ये सब कुछ उनके असिस्टेंट के नीचे मैं खुद कर लेती थी। ये सवाल था उनके असिस्टेंट का लगभग 4-5 महीने तक। फिर बात की बात तो फिर हम अकेले ही सीख जाते हैं उनके साथ टैकल करना। मतलब जहाँ हमारी मर्यादाएं हैं वहाँ हमको सहायता लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये समझना और समझाना बेहद जरूरी है कि दृष्टिहीनता कोई असमर्थता नहीं, बल्कि जीवन को सामान्य से कुछ हटकर जीने का ही दूसरा नाम है। दृष्टिहीन महिलाओं की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय हमें चाहिए कि हम उनकी जिंदगी के सवालों का जवाब ढूंढने में उनकी मदद करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iva.org पर विजिट कर सकते हैं। ये फीचर सुनने के बाद आप भी हमारी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि समस्या दृष्टि में नहीं, दृष्टिकोण में है। और बस हमें चाहिए ये कि हम दृष्टिहीनता के साथ जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। दैट्स इट। वैसे आप ये सोच रहे होंगे ये बड़ी सीरियस सी बात हो रही है, नहीं लेकिन हम सीरियस नहीं हैं। काश वो कलम मिल जाए जिससे खुदा सबकी तकदीरें लिखता है, या फिर मिल जाए वो हौसला जिससे हम खुद अपनी तकदीर लिख सके। अब दोस्तों, खुदा को तकदीर लिखते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ, अमेरिका की रहने वाली जॉर्जिया ग्रिफिथ के बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के गवाह हैं वो हजारों लोग जिनके बीच रहकर उन्होंने काम किया, बावजूद इसके कि वो ना देख सकती थीं और ना ही सुन सकती थीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बाकी लोग नहीं कर सकते, बस करने की चाहत होनी चाहिए। मैं जॉर्जिया ग्रिफिथ, मेरा जन्म 1931 में अमेरिका में हुआ और मैं जन्म से ही दृष्टिहीन हूँ। सन 1954 में मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन की और तब तक मैंने 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने भी सीख लिए। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक म्यूजिक टीचर के रूप में की। 10-12 साल तक तो सब ठीक चला, पर उसके बाद मेरा सामना एक नई चुनौती से होने लगा। 38 साल की उम्र में मैं अपने सुनने की शक्ति खोने लगी। अब इस दोहरी विकलांगता के साथ मुझे एक नए काम की तलाश थी। मैंने ब्रेल में लिखी गई म्यूजिक की किताबों की प्रूफ रीडिंग शुरू कर दी। साथ ही मैंने अपनी एक मित्र के लिए ब्रेल म्यूजिक डिक्शनरी लिखने में भी मदद की, और इस दौरान मैंने 12 विदेशी भाषाएं सीखी। 50 की उम्र में मैंने खुद को कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ा। कंप्यूटर में ब्रेल तकनीक के माध्यम से मैं लोगों से बात करती, और इस तरह मुझे दुनिया भर की जानकारी मिलने लगी।
और फिर क्या था, इंटरनेट पर अलग अलग विषयों पर लिखने की मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक कंपनी ने मुझे उनके द्वारा चलाए जा रहे कुछ इंटरनेट ग्रुप्स का संचालन करने का अवसर दिया। अब यही मेरी असली दुनिया थी। दोस्तों, जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया उसका आधार मेरा खुद पर विश्वास था, जिसके लिए मुझे लोगों से सराहना और सम्मान दोनों मिले। तो ऐसी थी जॉर्जिया ग्रिफिथ। सन 2005 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जॉर्जिया ग्रिफिथ के बारे में आपको जानकारी दे रही थी मोनिका शर्मा। मोनिका जन्म से ही देख नहीं सकती और वे एक बड़े कॉल सेंटर में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के तौर पे काम करती हैं। और अब दोस्तों, आपके लिए एक बेहद खास सूचना। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब आप सब अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एपिसोड नंबर 120 में पूछे गए सवाल का जवाब। तो इस एपिसोड का सवाल था, केंद्र सरकार के दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टिवान कर्मचारी को कितना परिवहन भत्ता दिया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सामान्य से दोगुना। और अब विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए हम बुला रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणय गड़ौदिया को। शुक्रिया अर्शद इकबाल। तो दोस्तों, एपिसोड 120 के जो लकी विजेता बने हैं, हमारे कंप्यूटर ने हमें बताया कि वो हैं मनीष बजाज जम्मू तवी से। मनीष जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो लगे हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 122 यानी 122 का सवाल भी पूछ ही लेते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण में आंख के किस भाग को बदला जाता है? ऑप्शन ए पूरी आंख, ऑप्शन बी केवल आंखों का पर्दा, या सी केवल आंखों की पुतली। क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 122, इज विच पार्ट ऑफ आई इज चेंज्ड इन एन आई ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी? ए द होल आई बॉल, बी ओनली द रेटिना, और सी ओनली द कॉर्निया। अर्शद अरे वो तो मैं आज आ ही नहीं रहा था, लेकिन तुमने इतना बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ अच्छा सवाल पूछोगे। अच्छा, तो तुम्हें ये बच्चों का सवाल लग रहा है? हाँ? और क्या, इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। इसका मतलब जवाब पूरी शेरू, तू आइसक्रीम खाता है ना? क्या बात है यार, मैं तेरे को खिलाता हूँ। दोस्तों, आप इसका जवाब भेजिएगा, लेकिन मैं इसको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। ओके दोस्तों, इस महीने के चौथे बुधवार यानी कि 24 जून की दोपहर को 2:45 हमारी और आपकी फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आईवे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09683293 यानी 09683293 और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyewaye यानी iway.org। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को दोपहर 3:45 विविध भारती पर। ये है रोशनी का